नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। YouTube चैनल रंजू की रेसिपीज में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ सिंगदाने यानी मूंगफली की चटनी। यह चटनी खाने में बहुत ही चटपटी और अच्छी लगती है। यह सूखी चटनी है, लिक्विड वाली नहीं। मूंगफली की चटनी मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। इसे आप मात्रा में बना के भी फ्रिज में रख सकते हैं, इसे आप जर्नी में भी ले जा सकते हैं, इसे आप पूरी, पराठे, ब्रेड और दाल चावल के साथ भी ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं मूंगफली की सूखी चटनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली, लहसुन, मैंने छिलके रखे हैं 15 कलियां, हरी मिर्च और नमक। हम सिंगदाना को पहले भून लेंगे, उसके पहले हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इस पे हम नॉन स्टिक तवा रख देते हैं। हमारा तवा गर्म हो गया है, इसमें हम मूंगफली डाल देते हैं और इसे चलाते रहेंगे। मूंगफली को बीच बीच में इसे चलाते रहें। ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है और अपने आप छिलका छोड़ने लगा है। इस तरह से चेक कर लें। इसे एक प्लेट में रख देंगे, उससे पहले हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे रख के इसे ठंडा होने देंगे। हमारी मूंगफली ठंडी हो गई है, अब हम इसके सारे छिलके इस तरह से निकाल लेंगे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने मूंगफली को सारा छिलका निकाल लिया है, अब हम इसे मिक्सी में डाल लेते हैं। मैं चटनी वाले जार में बना रही हूँ, अगर आप मात्रा में बनाएंगे तो आप मीडियम जार में बनाएं। अब हम इसमें लहसुन की 5-6 कलियाँ डाल देते हैं। मिर्च मैंने 5 लिए थे, उसे काट लिया है। और नमक स्वाद अनुसार, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप और मिर्च डाल सकते हैं। अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड करते समय बीच बीच में चला के देखते रहें। हमें एकदम बारीक नहीं पीसना है, इसे दरदरा ही रखना है। अब ये नहीं हुआ है, एक बार और कर लेते हैं। ये देखिए हमारी मूंगफली की चटनी बनकर तैयार है। अब हम इसे बाउल में सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। देखिए हमारी मूंगफली की चटनी अब पूरी तरह से तैयार है। इसे आप पराठे के साथ, पूरी के साथ और दाल चावल के साथ ले और इसका लुफ्त उठाएं। मूंगफली की चटनी बनाने की आवश्यक सामग्रियां एक बार फिर नोट कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो YouTube चैनल रंजू की रेसिपीज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भेजें, प्रश्न पूछें और शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से दिल से शुक्रिया।